हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस। ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और स्टूडेंट, अब हम एच सी एस के लिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द जनरल साइंस स्टूडेंट, राइट। तो जनरल साइंस के लिए स्टूडेंट हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। इसके लिए स्टूडेंट हमारा अभ्यास 2.0 चल रहा है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट के, राइट। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट हम अपने एम सी क्यू की, राइट। तो मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट सी हर स्टूडेंट, हरियाणा जीके टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट, जिसके अंदर आपको भी पता है कि हरियाणा जीके के अंदर 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। सो इसके लिए स्टूडेंट 500 एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फॉर द हरियाणा जीके, जो अवेल है ओनली एंड ओनली ₹400 के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको फुल टेस्ट सीरीज़ चाहिए जीएस प्लस सी सेट के लिए स्टूडेंट, तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है हमारी फॉर द प्रीलिम्स, राइट, एचसीएस प्रीलिम्स, जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे स्टूडेंट आपके 26, राइट। प्राइस रहेगा स्टूडेंट 6500 स्टूडेंट। इसमें कंप्लीट जर्नल स्टडी और कंप्लीट सी सेट के 4 टेस्ट रहेंगे, बाकी आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। ओके, तो इसका लिंक भी स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं, राइट। एंड ऑलरेडी यू नो दैट कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टेस्ट सीरीज़, ठीक है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और इवन स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं जो फुली डेडिकेटेड हैं प्रीलिम्स को, राइट, फॉर द एच सी एस, ठीक है, जो हमारा 11 फेब को जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रीलिम्स का, तो आप ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़िए, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन आंसर इट, ठीक है। क्वेश्चन है, दादा कहता है द कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज व्हाट। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है स्टूडेंट जब डायरेक्टली हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड मैटर है, वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर। सी हेयर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो हमारा मैटर है अगर वो सॉलिड है तो सबसे पहले वो मेल्ट होगा स्टूडेंट, और वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, और फिर वो कन्वर्ट होगा हमारा थर्ड स्टेज के अंदर, गैसेस के अंदर। तीन स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और हमारा गैस, ठीक है। अगर गैस को भी अगर वो सॉलिड हो सकती है, तो सबसे पहले जो हमारी गैस होती है स्टूडेंट वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और फिर हमारी वो कन्वर्ट होती है सॉलिड में। एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सल एग्जांपल है, दैट इज़ अवर वाटर। वाटर पहले अगर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो सबसे पहले वो वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि लिक्विड स्टेज में, और फिर वो वेपर की स्टेज में गैस फॉर्म में जाता है, राइट, यस और नो। बट सब्लिमेशन क्या मतलब है स्टूडेंट, कि अगर आपका सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, या फिर गैस जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो किस कलर में, कलर ऑफ वेपर क्या होगा स्टूडेंट जब सॉलिड आयोडीन जो है वो सब्लिमेट करेगी, तो कलर होगा स्टूडेंट पर्पल, करेक्ट ऑप्शन होगा पर्पल, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, स्क्रीन पे है स्टूडेंट आपके सेकंड क्वेश्चन, रीड कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से और फिर पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन में कहता है अंडर विच कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। अगर हमें अपने रूम टेम्परेचर, जैसे ये रूम है, अगर इसी टेम्परेचर के ऊपर हमें वाटर को बॉयल करना हो, आपको भी पता है बॉयल नहीं होगा पानी। अगर आप, आपके पास यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, ये इस टाइम पे पानी है, क्या ये उबल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं,
आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसका हीट देनी पड़ेगी इसको। बट अगर आपको बॉयल करना है वाटर को किस पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो आपको ऐसी कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी? पहली कहता है एट लो टेम्परेचर प्रेशर, दूसरी कहता है एट हाई प्रेशर, तीसरी कहता है एट वेरी हाई प्रेशर, थर्ड कहता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट एट लो प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर को कम कर दो, अगर आप प्रेशर को कम कर दो तो आपका वाटर क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, वो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच कर जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, काफ़ी हाई रहता है, हाई प्रेशर होता है। यही वजह होती है स्टूडेंट कि वहाँ पे खाना बनाने के लिए आपको प्रेशर कुकर की नीड पड़ती है। अगर आप वैसे खाना बनाओगे, फूड कुक करने की ट्राई करोगे, तो आप देखोगे कि पानी तो आपका उबल गया लेकिन आपका खाना कुक नहीं हो रहा है, मतलब वो स्लोली कुक होगा। इसलिए ज़्यादातर खाना जो है वो प्रेशर कुकर में बनाया जाता है, कहाँ पे, माउंटेन्स एरियाज के अंदर, सो दैट वी कैन बैलेंस आउट दैट प्रेशर। सो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है स्टूडेंट अगर हम लोअर कर दें, लो प्रेशर कर दें स्टूडेंट, तो हमारा जो वाटर है वो बॉयल करेगा किस पे, रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, पॉज लीजिए, देन आंसर इट। नॉट पूछा है स्टूडेंट उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज नॉट एंडोथर्मिक। दो तरीके की रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, ये बात पहले आप समझो। पहली होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक वर्ड का मतलब, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो वर्ड का मतलब भी ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हीट रिलीज कर रही है, हीट क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, यस और नो? और अगर एंडोथर्मिक है, एंडो एंडो मतलब अंदर वाली तरफ, मतलब कि वो हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। आप क्वेश्चन को आंसर कीजिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस, पहला फ्यूजन नो, वेपराइजेशन नो, टेम्परेचर नो, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्यूरिटीज, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्यूरिटीज इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाकी सारी हैं, फ्यूजन, वेपराइजेशन, टेम्परेचर। जब भी स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, कोई स्टेज अपना चेंज होगा, मान लो वेपराइजेशन हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, कहीं पे दो चीज़ें फ्यूज कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट, या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट को एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। आप देखिए वाटर जो है अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिलीज़ नहीं करता, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके हमारा पानी जो है वो बॉयल करता है। यस और नो? यस और नो? दो चीज़ों को मान लो आपको फ्यूज़ करवाना है, मान लो दो एटम है आपके पास एक्स और वाई, अगर उनको आपको फ्यूज़ करवाना है, कंबाइन करवाना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होती है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, फ्यूजन वर्ड का भी आपको मतलब पता होना चाहिए स्टूडेंट, फ्यूजन वर्ड का क्या मतलब है। दो तरीके की रिएक्शन होती है स्टूडेंट, एक होती है हमारी फ्यूजन और एक होती है फिशन। फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है कंबाइन करना, फिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक डाउन, राइट? तो फ्यूजन जो है स्टूडेंट ये नेचुरली कहाँ पे होती है बताओ, नेचुरली कहाँ पे होती है, हमारे स्टार्स के अंदर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा सन, सन में क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है। फ्यूजन का मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है, और लॉट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट, बन रही है। बट इसके लिए कंडीशन है, ये फ्यूज तभी करेंगे जब एक बहुत ही ज़्यादा एक हॉट कंडीशन होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, एक हॉट कंडीशन होगी, ठीक है। आप ऐसे फ्यूजन नहीं करवा सकते, आपको एक बहुत हॉट कंडीशन चाहिए स्टूडेंट दो एटम्स को आपस में कंबाइन करने के लिए। क्लियर आपको ये बात, यस और नो? यस और नो? सो दैट्स वाई स्टूडेंट
यहाँ पे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे कौन सा कोई इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे कोई कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है, कुछ नहीं है, दे आर जस्ट इम्प्योरिटीज. सो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन. अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन. डज नॉट, सबसे पहले तो वर्ड पूछा है, यहाँ पे है डज नॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, बताइए. तीन और चार ऑप्शन है आपके पास, पहला विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज. करेक्ट ऑप्शन बताओ स्टूडेंट. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, डी इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज, वो अफेक्ट नहीं करती रेट ऑफ इवेपोरेशन को. देखिए, मान लो आपने यहाँ पे बॉल के अंदर पानी रख दी, पहले ऑप्शन को देखते हैं विंड स्पीड, अगर बहुत तेज विंड चलेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन, जल्दी जल्दी से वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपोरेट होते जाएंगे. यस और नो? बिल्कुल होते हैं स्टूडेंट. सरफेस एरिया, आप दो गिला एक गिलास में पानी लीजिए आप इसमें, और एक आप बाउल में पानी लीजिए इस तरीके का, आप देखोगे इसमें पानी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन कम है. क्यों? सरफेस एरिया कम है स्टूडेंट वहाँ पे. टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा होती है स्टूडेंट. प्लांट्स के अंदर पॉन्ड में पानी खड़ा हुआ, लेक में पानी है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है. क्यों? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस टाइम पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी. बट इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ ये कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करती हैं आपका इवेपोरेशन को. सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज फोर. क्लियर है स्टूडेंट, येस और नो? अगर येस है देन मूव फॉरवर्ड. हाँ जी, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए बच्चे. कहता था काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, पहले आप मुझे ये बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है स्टूडेंट इट्स मोबिलिटी, मूव करने की पावर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी. इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, है ना, इस टाइम पे मैं वॉक कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, राइट? तो मोबिलिटी, ठीक है, मूव करने की कैपेबिलिटी. तो एक मेरे पास मटेरियल है सॉलिड, एक लिक्विड है स्टूडेंट, एक हमारे पास गैस है. तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी या फिर हमारी गैस के अंदर ज़्यादा होगी, बता सकते हैं कोई बच्चा? ये हमारी गैस है, कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, मैं आपको टाइम देती हूँ. हाँ जी, कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बता सके, वीडियो को पॉज कर लो और कमेंट करके बताना मुझे, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी या गैस में होगी, बताइए, बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट. तो सी ईयर स्टूडेंट, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ऑब्वियसली मूवमेंट जो है स्टूडेंट वो बहुत ही कम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लो होगी. होगी या नहीं होगी? लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, तभी तो वो लिक्विड है, इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, थोड़ी सी हाई होगी. और गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर है स्टूडेंट एक दूसरे से, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाइयर हाइयर होगी. यस और नो? बट जब भी किसी चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ाते, मान लो आइस है, आइस का जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट देंगे, आइस मेल्ट हो जाएगी इसमें लिक्विड में, इसका मतलब क्या है, जो आइस के अंदर पार्टिकल बिल्कुल क्लोज क्लोज थे, वो पार्टिकल क्या करने लग गए, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज पार्टिकल्स मूव करने लग गए, ठीक
ठीक है, और वो एक दूसरे से क्या क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो उसका मतलब प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट आपकी बढ़ेगी जैसे, सॉरी टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रेशर, टेम्परेचर, सॉरी। यस और नो, ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी, ओके बच्चा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए स्टूडेंट। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्या उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या कुछ भी नहीं होता? वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही चीज़ें होती है स्टूडेंट। एयर क्या एक तरीके का मिक्सचर है स्टूडेंट, एयर क्या है, मिक्सचर है स्टूडेंट अलग अलग गैसेस का, ठीक है जी। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर चीज़ प्रेजेंट है। 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, 7th नंबर क्वेश्चन कीजिए बच्चे। सी एयर स्टूडेंट, आप ऐसी वीडियो देख के मत जाया करिए, ठीक है, कि हाँ जी मैम ने एक वीडियो पोस्ट की है, चलो देखते हैं, देख लिया, ओके। नहीं स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, अगर मैंने कोई फैक्ट बताया उसको आप नोट करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग चीज़ है, MCQ रिजॉल्व करना एक अलग चीज़ है। कॉन्सेप्ट का क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको ही पता है क्या चीज़ है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या इनका बिहेवियर है, सबको पता है। बट उनके बेसिस के ऊपर जब MCQ आते हैं स्टूडेंट, तब दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना, आपको चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो MCQ प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये होता है स्टूडेंट, पहला आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, सेकेंड चीज़ आप मैनेज करना सीख जाते हो टाइम को। एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम टाइम होता है स्टूडेंट, एक तो पहली माइंड पे बहुत प्रेशर होता है उस एग्ज़ाम का, है ना, इतनी मेहनत जो लगाई होती है, इतना टाइम लगाया होता है, ऊपर से पेरेंट्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सबका प्रेशर होता है, मॉरल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, कि क्लियर कर ही देना, पक्का ही कर देना इस बार तो, है ना, बहुत टाइम हो गया, तुम्हारी शादी भी करनी है, ये करना है, वो करना है ना, जिनकी हो गई है उनको ये बोलेंगे, अरे अभी तक तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है ना, तो लोग तो आपको कहीं पे भी बख्शने वाले हैं नहीं स्टूडेंट, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो करना आपको ही पढ़ना है स्टूडेंट, तो बेटर है अच्छे से कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, उसको लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि हाँ जी ये बहुत अच्छी एक सीरीज़ चल रही है यार, तुम भी इसको फॉलो करो, राइट। बहुत थोड़े टाइम में कितने सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो बेटर है ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहती स्टूडेंट कि आप जो है वो स्पेशल डेडिकेट करो यहाँ पे टाइम, आप वॉक कर रहे हो, राइट, आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ, उसके साथ भी आप सुन सकते हो, उसके साथ साथ भी स्टूडेंट इस वीडियोज़ को आप प्ले करके उनको सुन सकते हो, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार चला लो, है ना। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, मैं कहती हूँ अगर किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट रह भी गया होगा ना, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप MCQ करो तब भी आपके क्लियर होंगे, तब भी स्टूडेंट आपके जो कॉन्सेप्ट है ना तब भी क्लियर हो जाएंगे, हमने इतने MCQ डिस्कस कर ली। आप सोचो एक वीडियो में हम 15-20 MCQ डिस्कस करते हैं, तो अब तक आप देखो मेरे कितने सेशन आ गए, तो कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, ऑलमोस्ट हम 200+ क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक सिर्फ साइंस के। तो सोचने वाली बात है ना स्टूडेंट कि आपको पता भी नहीं चला कि हमने थोड़े टाइम में कितने सारे MCQ कर लिए, राइट, ओके 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 स्टूडेंट, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सो ध्यान से पढ़ो। कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, अगर हमें वाटर का कंपोनेंट सेपरेट करना हो तो कैसे कर सकते, ठीक है। देखिए वाटर के अंदर दो मेन चीजें हैं, पहली हमारी हाइड्रोजन और दूसरी क्या है ऑक्सीजन, और दोनों ही किस रेशो में कंबाइन है हमारे 2:1 के अंदर, ठीक है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का।
ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट कि आपने हाइड्रोजन का एटम उठाया, ऑक्सीजन का एटम उठाया और दोनों को कंबाइन कर दिया और ये बन गया हमारा वाटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है स्टूडेंट। दोनों के बीच में क्या है? केमिकल बॉन्ड है। और स्टूडेंट अगर आपको केमिकल बॉन्ड तोड़ना है तो वहाँ केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको, है ना। उसको आप केमिकली तोड़ सकते हो, ऐसे तो तोड़ नहीं लोगे आप उसको, है ना। ये सुनो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, सो दैट्स वाई स्टूडेंट केमिकल मेथड से ही आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आपको उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाए दोनों। ठीक है, अब करो क्वेश्चन नंबर 8। मिक्सचर कैन बी व्हाट? मिक्सचर कैन बी व्हाट? मिक्सचर क्या है स्टूडेंट बताओ? क्या है स्टूडेंट मिक्सचर? ये हम क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो सी यर स्टूडेंट, मिक्सचर क्या है हमारा? वो होमोजेनियस भी हो सकता है और वो हीटरोजेनियस भी हो सकता है। तो ऑप्शन दोनों ही बनेंगे। ठीक है, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं स्टूडेंट। एक होता है हमारा होमोजेनियस, ठीक है, जिसमें क्या है आपका रेशो फिक्स है, आपका एक फिक्स रेशो के अंदर उसको बनाया गया है। जैसे हमारा कोई भी मेटल है, ठीक है, जिसमें आपने दो तीन मेटल्स को मिक्स करके फिर बनाया उसको आप। हेटरोजीनियस जैसे कि आपका नींबू पानी, लेमन वाटर है, उसमें क्या आपने कोई फिक्स थोड़ी ना किया उसके अंदर, बस अपनी मर्जी से आपने उसमें ऐड कर दिया और आपका लेमन वाटर बन के रेडी हो चुके, राइट। आपका ब्लड, ब्लड इज ऑल्सो हेटरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, उसमें कुछ फिक्स कंपोजिशन नहीं है, ठीक है, उसमें कंपोजिशन बढ़ती घटती रहती है, कभी शुगर ज़्यादा है ब्लड में, कभी शुगर कम है। ओके ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन करो बच्चे। कीजिए स्टूडेंट, 9th नंबर क्वेश्चन कीजिए। देखिए, ब्रास इज व्हाट? ब्रास क्या एक तरीके का क्या है? हमारे पास मेटल होती है, क्या है वो? कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटरोजेनियस मिक्सचर। इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज इसमें एक फिक्स्ड रेशियो में हमने क्या किया, फिक्स्ड रेशियो के अंदर हमने मिक्स किया क्या? फिक्स्ड रेशियो में हमने मिक्स किया क्या? कॉपर प्लस जिंक को, कॉपर प्लस जिंक को हमने क्या किया, एक फिक्स रेशियो में मिक्स किया स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ जी, तो 10th नंबर क्वेश्चन को कीजिए। इन शुगर सॉल्यूशन व्हाट? इन शुगर सॉल्यूशन व्हाट? हाँ जी कीजिए। शुगर के अंदर क्या चीज है? कहता है शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। शुगर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्यूट। बोथ आर सॉल्यूट, बोथ आर सॉल्वेंट, क्या चीज है? सी हर स्टूडेंट, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टूडेंट हमारा सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट जिस चीज को हम डिसॉल्व करते, ठीक है, और सॉल्वेंट जिस चीज के अंदर हम डिसॉल्व करते, ठीक है। तो यहां पे क्या है, शुगर हमारा सॉल्यूट है क्योंकि शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं हमारे वाटर के अंदर, और वाटर क्या हमारा सॉल्वेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि शुगर के अंदर आपने बहुत सारा शुगर लिया और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर रहे हो। नहीं, आप पानी लेते हो, ठीक है, उसमें आप शुगर मिक्स करते हो थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है। तो शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, क्योंकि उस चीज में हम घोल रहे हैं, ठीक है बच्चा, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ब्रास कहता ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर इन व्हाट? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बताइए क्या है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ब्रास में हम क्या करते हैं, मोल्टन कॉपर के अंदर, मतलब कि हमारी पिघली हुई जो हमारी कॉपर होती है उसमें हम मोल्टन क्या मिक्स कर देते हैं, उसमें हम मोल्टन जिंक मिक्स कर देते हैं। जिंक को मोल्ट करके उसमें मिक्स कर देते हैं, तो मोल्टन जिंक को हम मिक्स करते हैं किसमें, हमारी मोल्टन कॉपर के अंदर। ये बात क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप देखिए, आप
आपने सोचा होगा कि अरे ये क्या क्वेश्चन है, एक मिनट में कर दूंगा मैं ऐसे करके, बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा समझ कर, कॉमन सेंस से उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, तो 12th नंबर क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, कहता है 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू व्हाट? 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू व्हाट? डायमंड की बात की है स्टूडेंट, यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं की, पहले ही बता दूं मैं आपको, डायमंड की बात हो रही है, गोल्ड की नहीं हो रही है। तो दैट इज 200 mg, ठीक है, ओके, फैक्ट था, ओके। 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू व्हाट? 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज व्हाट? क्या है भाई 1 कैरेट डायमंड इज इक्वल टू व्हाट, बताओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू व्हाट? तो क्वेश्चन है स्टूडेंट इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना एक रीडिंग गलत हो गई, एक्चुअल में दिस इज 0.2 mg, इस तरीके से का क्वेश्चन है, इस तरीके से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है, 0.200 mg। हाँ जी, डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज ऑफ व्हाट? 14 का आंसर कीजिए, डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज ऑफ व्हाट? लस्ट्रस क्यों है, इतना ज्यादा यू नो, इतनी शाइन जो उसके अंदर करती है स्टूडेंट, व्हाई व्हाई क्यों है? दैट इज ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू नो दैट कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, 2.4 के करीब करीब होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द वे? इसका मतलब होता है स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इन ए मीडियम। सी एयर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है हमारी एयर के अंदर, क्योंकि बहुत कम हर्डल होते हैं, फिर होती है हमारी लिक्विड के अंदर, और फिर होती है हमारी सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है, और डायमंड की खास बात यही है, जब डायमंड के अंदर लाइट एंटर करती है स्टूडेंट, जब लाइट रे एंटर करेगी तो उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, सो दैट्स वाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई डायमंड इज लस्ट्रस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी की आइटम है हमारी डायमंड, क्लियर आपको, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शाइन भी करती है, ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात, यस और नो? ठीक है जी, हाँ जी, कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क मी। अच्छा स्टूडेंट, ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे हम ओवर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा बैच भी शुरू हो चुका है स्टूडेंट HCS का, ठीक है, फुली डेडिकेटेड है स्टूडेंट हमारा बैच, ठीक है, प्रीलिम्स को लेकर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग HCS प्रीलिम्स, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तब भी स्टूडेंट आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, ओके, ठीक है जी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।